ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। कवर्धा जिले में भी लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मंगलवार को बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा किया। कवर्धा जिले के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर ग्रामीणों को अलर्ट रहने कहा है। कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि ग्रामीण नदी नालों में ज्यादा पानी होने से पुल पुलिया को पार ना करें, साथ ही उन्होंने छोटे बच्चों को पानी से दूर रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले जो हैं उफान पर हैं। किसी भी पुलिया पे यदि पानी ऊपर से बह रहा हो तो कृपया उसको पार करने की कोशिश ना करें। कवर्धा जिले में भी आज एक कार बह गई है, छोटे बच्चे हैं उनको वहाँ पे दूर ले उनसे दूर रखें। लोग भीड़ लगा देते हैं जहाँ पानी बह रहा होता है, उसको देखने के लिए ना जाए। कभी भी पानी अचानक बढ़ सकता है और आप भी इसके शिकार दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं। तेज बारिश के समय में झरने और बाकी पर्यटक स्थल को अवॉइड करें, अन्यथा दुर्घटना घट सकती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।